एक्टिविटी वन पॉइंट वन एक्टिविटी वन पॉइंट वन में हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए कहा गया है इस एक्टिविटी में हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करेंगे और यहाँ पे जो पाउडर फॉर्म होगी उसको वॉच ग्लास पर कलेक्ट करेंगे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय हमें यहाँ पे दो बातों का ख्याल रखना है सबसे पहली बात बर्निंग करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन करना है ऐसा क्यों क्योंकि मैग्नीशियम एटमोस्पिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर बन जाता है

सबसे तो पहले हमारा ऑब्जर्वेशन ये होगा कि मैग्नेशियबन मैग्नेशियम रिबन बर्न्स विद द डार्जलिंग वाइट फ्लेम दिस विल बी आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड दैट मैग्नेशियम विल चेंजेस इन टू द वाइट पाउडर और ये वाइट पाउडर है फ्रेंड्स मैग्नेशियम ऑक्साइड यानी कि ये जो मैग्नेशियम है वो रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ में इन बर्निंग प्रोसेस एंड इट विल फॉर्म मैग्नेशियम ऑक्साइड इसको मैं बैलेंस कर देता मैग्नीशियम so, ऑक्साइड तो यहाँ पे उसका नेचर हम लोग चेक करेंगे यानी कि वो एसिडिक है या बेसिक तो उसके लिए हम लोग परफॉर्म करेंगे लिटमस टेस्ट प्लीज नोट लिटमस टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हम लोगों को ये पता होना काफी जरूरी है कि जो भी सब्सटेंसेस होते हैं एसिडिक और बेसिक वो अपना नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही शो करते हैं तो उसके लिए हमें या तो हम लोग इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे जिससे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा फिर लग, फिर हम लोग लिटमस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे या फिर लिटमस पेपर को ही हम लोग मॉइस्ट करके ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे सो तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी इस वॉच ग्लास में ऐड कर दिया गया है जिसके वजह से यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो गया है और अगर हम लोग यहां पे लिटमस टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लू लिटमस पेपर जो है वो नो चेंज वहां पे ब्लू में ही रहता है तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो बेसिक नेचर का है ओके सो तो ये ये थी एक्टिविटी एक्टिविटी इस activity का कंक्लूजन ये है कि इससे हम लोग ये प्रूफ कर सके कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट इज अ केमिकल रिएक्शन इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट रिए react होके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है सो so ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी टाइप है डिस्कस okay? so uh, करने के बाद इस एक्टिविटी पर पूछे गए क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लेते हैं ओके सो फ्रेंड पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था वाई मैग्नेशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर तो हम लोग हमारे आंसर में लिखेंगे टू रिमूव दैट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ओके okay, सो so पे हम लोग लिखेंगे कि मैग्नेशियम uh, रिबन को क्लीन करना जरूरी है टू रिमूव दैट प्रोटेक्टिव लेयर है ना यानी कि ऑक्साइड का जो लेयर उसके ऊपर फॉर्म हुआ है उसको रिमूव करने के लिए एनसीईआरटी एनसीआरपलर एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी से रिलेटेड है यहाँ पे पूछा गया था अ मैग्नेशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव अ अट कंपाउंड एक्स हमें पता है ये वाइट कंपाउंड है मैग्नेशियम ऑक्साइड यानी कि एम जी ओ अंपनीड बाई एमिशन ऑफ लाइट

ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि ये जो कंपाउंड एक्स है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एम और ये जब नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम तो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म होता है यानी कि ये जो कंपाउंड Y है वो मैग्नीशियम नाइट्राइड यानी Mg3N2 तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता मे बी इनकेस एग्जामिनेशन में तो आप लोग क्विकली बना सकते हो आप लोग इस तरीके से लिखोगे मैग्नीशियम नाइट्रोजन मैग्नीशियम की वैलेंसी है टू नाइट्रोजन की वैलेंसी है थ्री आप लोग क्रिस क्रॉस करोगे और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा एम जी थ्री एन टू सो ये फॉर्मूला होगा हमारा सेकेंड कंपाउंड वाई का हमें पूछा गया है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वेन एक्स इज डिजोल्व इन वाटर ओके सो एक्स यानी कि मैग्नेशियम ऑक्साइड जब पानी में डिजोल्व किया जाएगा तब मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो उसकी रिएक्शन हमें लिखनी है तो चलो रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से सबसे पहले मैग्नेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे यानी कि ट्वाइस एमजी प्लस ओ टू गिव ट्वाइस एम जी ओ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन लिखी है आई होप कि आप लोगों को इक्वेशन बैलेंस करना आता है अगर बैलेंसिंग इक्वेशन में आपको दिक्कत है तो आप लोग इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है वो वाला वीडियो भी देख सकते हो मैग्नीशियम रिएक्टेड विद नाइट्रोजन गिवस मैग्नीशियम नाइट्राइड दिस इज द सेकंड रिएक्शन और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम लोग पानी में ऐड करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एम जी ओ एच टे रहा इस एक्टिविटी का सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो फ्रेंड अनदर क्वेश्चन इज दैट अहमद टू कम मैग्नेशियम रिबन एंड बर्न इट ऑन अ फ्लेम द वाइट पाउडर फॉर्म वॉज टेकन इन एंड वॉटर वॉज एडेड टू इट Hey, so अहमद ने जो मैग्नेशियम रिबन को बर्न किया है मैग्नेशियम ऑक्साइड फॉर्म किया है उसको पानी के साथ मिक्स किया है हम लोगों ने लास्ट रिएक्शन में देखा कि मैग्नेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होके मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड है ना एम जी -Oh ओ एच टाइस एम -oh जी ओ एच टाइस मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और इसके पहले एक्टिविटी में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वो बेसिक नेचर का होता है मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे लिटमस टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो फिर रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लू लिटमस पेपर सेम कलर होगा नो चेंज इन कलर विल बिट प्लेस ओके सो ये हो गए उनके ऑब्जर्वेशन वाई तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये जो ऑक्साइड बना है का तो वो बेसिक नेचर का है इसलिए हम लोग ये कलर चेंज वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी 1.1 आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आई है